वेलकम टू स्पीड एंड डॉट इन। कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए हम लोग कई बार आपको कॉल्स देते हैं। उन कॉल्स में कई बार आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है उसको समझने में, तो इस कन्फ्यूज़न को वेलकम कीजिए आप, क्योंकि हम लोग जो भी कोशिश कर रहे हैं वो आपके कैपिटल को सेव करने के लिए कर रहे हैं। नहीं तो सिंपल लैंग्वेज में हम तो आपको सीधा बाइंग बोल के, स्टॉप लॉस बोल के, टारगेट बोल सकते हैं, और उससे आपको सॉल्यूशन नहीं होगा, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपकी कैपिटल एक बार चली गई या ज़्यादा चली गई तो आपकी आज़ादी खत्म होती है। तो थोड़ी सी तकलीफ जो आपको ज़्यादा करनी पड़ रही है वो आप लीजिए और आप हमको फ़ोन करके बात कीजिए। जो भी कन्फ्यूज़न है, 4 दिन की बात है, 4 दिन बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है। दरअसल रीज़न समझ में आना चाहिए कैसा हम कर क्यों रहे हैं। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि निकल रेंज बाउंड है, बिल्कुल एवरेज स्टेट प्राइस पे खड़ा है, हमने कहा कि इसको हाई के ऊपर बाइंग और लो के नीचे सेलिंग लगा के रख दीजिए। या कभी मेंथा ऑयल में भी इस तरह के ऑर्डर तो डेली हम दे ही देते हैं कि हाई के ऊपर बाइंग और लो के नीचे सेलिंग दे दीजिए, दे के रखी है स्टॉप लॉस सेलिंग लो के नीचे। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि लो आने का इंतज़ार करना है और उसके बाद आप सेल कर रहे हैं। ये आप अपना F2 में जाके ऑर्डर टाइप में RL के बजाय SL चुनिए और जिस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगाते हैं वैसे ही ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस डाल दीजिए। लो अगर 890 का है तो 891 का ट्रिगर और 890 का लो स्टॉप लॉस प्राइस सेलिंग प्राइस लगा के छोड़ दीजिए। जैसे ही वो 890 तोड़ेगा, लो को तोड़ेगा, अपने आप बिक जाएगा। अब ऐसा हो रहा है कि 890 कहीं किसी वक्त में, किसी दिन में मेंथाइल ने 890 तोड़ा और टारगेट हमने दे रखा था 9 पॉइंट्स का या 10 पॉइंट्स का, 880 का, वो 883 तक गया और वहाँ से पलटा, आपका प्रॉफिट बुक नहीं हो पाया और पलट के सीधा ऊपर आ गया। अब इसमें अगर 10 पॉइंट का टारगेट हम लोग दे रहे हैं और आप अगर स्क्रीन के सामने और आपको दिख रहा है कि 6-7 पॉइंट मिल रहा है और 10 पॉइंट तक नहीं जा पा रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा बुक कर लो, क्योंकि प्रॉफिट कम आए नहीं आए चलेगा, नुकसान नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि नहीं कर पाए, वो कन्फ्यूज हो गए क्योंकि उनको लगा कि यार घबरा के किसी दिन बाहर निकले थे और उसके बाद में टारगेट हुआ आराम से, टारगेट से भी आगे गई चीज़ें, तो उनको लगा मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, तो वो बैठे रहे 83 तक, 83 से वो 85-87 होके 89-890 के ऊपर चला गया और ऊपर जा जो आपका स्टॉप लॉस 893-894 पे लगा था उसको भी तोड़ दिया। तो ऐसे केस में बड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा। ऐसे जब भी स्टॉप लॉस टूटे तो आपको एक नियम बना लेना है कि कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, आपका 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया है ना, आप हाई के ऊपर बाइंग और लो के नीचे सेलिंग लगा के फिर से बैठ जाएंगे। अभी तत्काल रिएक्ट मत कीजिए, आपके 3 पॉइंट गए हैं, आप अपने खाते में लिख लीजिए ये 3 पॉइंट आपको मेंथा ऑयल से लेने। ऐसे अगर निकल में हुआ है तो निकल से आपको 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया वो लेना है, आप लो के नीचे फिर से सेलिंग और हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख दीजिए। क्योंकि एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि बार बार हाई या लो तोड़ के चीज़ें उसी तरह का बिहेवियर रिपीट नहीं करती। बाजार आपको ट्रिप कर रहा होता है, वो छोटे छोटे मूवमेंट से पलट रहा होता है, तो आपको एक तरह का मैसेज दे रहा है, आपको उल्टा बिहेवियर दिखा रहा है, जिसमें ट्रिप होके जब आप डर जाते हैं उसके बाद एकदम से बड़ा मूवमेंट आ जाता है। तो अगर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद फिर से मेंथाइल ने अपना लो तोड़ा 883 का और वो सीधा 865 पे जाके रुकेगा, ये जो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका पहले चला गया था उसके बजाय आपको सीधा 15-17 पॉइंट एक झटके में 3 मिनट के अंदर मिलेंगे, या फिर माइनस से वो प्लस में चला गया और वो 905 के ऊपर चला गया, 900 पे हाई पे आपने बाइंग लगा के रखी थी, तो जैसे ही वो हाई तोड़ेगा वो सीधा 912-915 जाएगा, आपका जो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया है उसके बदले आपको 12-15 पॉइंट मिल जाएंगे। तो यही चीज़ NG में भी लागू होती है, निकल में भी लागू होती है, मेंथा ऑयल में भी लागू होती है, क्रूड में भी लागू होती है, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है ये वोलेटाइल स्क्रिप्ट है, ये एक ही दिन में अपने बाइंग साइड में प्लस साइड में एक अच्छा परसेंटेज दिखा के स्विंग करके माइनस साइड में आके एक बड़े परसेंटेज की गिरावट भी दिखाते हैं। तो एवरेज मेंथाइल या NG में 3-4% तक का मूवमेंट हो जाता है और हमको चाहिए सिर्फ 1-1.5% एक अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए, लेकिन जैसे ही स्टॉप लॉस टूटता है हम हताश हो जाते हैं और हम अपना फेथ खो देते हैं। अगर आप किसी का सपोर्ट ले रहे हैं, किसी से सीख रहे हैं, उसने कोई तरीका बताया है, तो क्या आपके नुकसान से उसे कुछ फ़ायदा है? नहीं। इतने तजुर्बे के बाद अगर कोई भी व्यक्ति कोई तरीका ढूंढ के लाया है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही,
थोड़ा इंतज़ार करके देखिए, लगातार लंबे समय तक जब आप चीज़ों को टेस्ट और ट्राई करेंगे तो शुरू में तो आपको बड़ा बुरा लगेगा, शुरू में तो आदमी को अपने माँ बाप बुरे लगते हैं जब टोकते हैं वो उनको, लेकिन धीरे धीरे जब रीज़न समझ में आने लगता है तो आस्था बढ़ने लगती है और धीरे धीरे हम उनसे बहुत प्यार करने लगते हैं, खासतौर पर तब जब वो हमारे सामने से गुजर गए होते हैं। तो ये ट्रेनिंग का भी यही किस्सा है, हमारे कई ट्रेनीज ऐसे हैं जो हमारे साथ जब तक ट्रेनिंग लेते रहे तब तक तो उनको हम पे थोड़े बहुत डाउट रहे भी थे, लेकिन ट्रेनिंग लेने के 2 साल 3 साल बाद में उनको हमारा एक एक प्रिंसिपल इतना गहराई से समझ में आने लगा कि उनको लगा कि वो चीज़ अगर बहुत पहले समझ में आ गई होती और थोड़ी ज़्यादा फेथ रख ली होती तो आज हमारा फ़ायदा 4 गुना ज़्यादा होता। तो इसी बात को ध्यान में रख के आप लगातार भरोसा रख के सीखते रहिए, और भरोसा हम में ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, हम चाहते हैं आपका अपने आप में भरोसा हो सबसे पहले, हम में भरोसा तो बाद में भी चल जाएगा। आपका अगर खुद पे भरोसा नहीं होगा तो आप कोई तरीके पे टिक नहीं पाएंगे, किसी सिस्टम पे टिक नहीं पाएंगे, और सिस्टम पे टिकेंगे नहीं तो कटी पतंग की तरह यहाँ वहाँ भटक के किसी भी हादसे में उलझ के खत्म हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हम आपको लगातार सपोर्ट करते रहेंगे। बाय।